बालकाई के सामने एहतराम से पेश आओ तुर्क। जानता हूं ये क्या कहेगा। मैं यहां यूं ही मुंह उठाए नहीं चलाया बालकाय। आइंदा से अल्फाज सोच समझ कर इस्तेमाल करना। मुख्तसर बात करो, मैं सुन रहा हूं तुम्हें। मैं मंगोलों का गुलाम नहीं। चचा, मुझे इजाजत है? बिल्कुल इजाजत है बेटा। मेरे हाथों में ये नायाब खंजर कवानीन का रखवाला है। ये वो खंजर है जो चंगेज खान के कवानीन की हिफाजत करता है। इसका दिमाग खराब हो गया है। मेरे हुजूर उस्मान साहब एक हवा की तरह आए और बलकाय की सांसें रोक दी। एक दफा मैं जब उस सालिम नौयान की कैद में था, अर्तुरुल साहब ने अचानक आकर मुझे बचा लिया था। मेरे बहादुरों, हम इन्हें अपनी सरजमीनों पर सुख का सांस नहीं लेने देंगे। इस बार ये पहले जैसा नहीं है मेरे बहादुरों। इन आंखों ने बहुत से मंगोलों को देखा है, लेकिन बालकाय उन सब से मुख्तलिफ है। ये उन सब से खतरनाक है। इसे इन सरजमीनों पर शिकस्त देने के लिए तुम्हें कुछ और तदाबीर इख्तियार करना जरूरी होगा। हम यहां से एक बार निकल जाएं तो सांसा साहब को एक मर्द के तौर पर ना जाना जाए। अगर उसको तीतर की तरह मारकर दफन ना कर दे तो तुम्हें ये कहां से मिला? उस्मान झूठ बोल रहा है। चंगेज खान का मुबारक खंजर एक तुर्क के पास नहीं हो सकता। बालकाय, यूं लगता है कि इनकी तरबियत नहीं की। तुम्हारे होते हुए ये फैसला सुनाएंगे? अगर तुम्हारे सिपाही और नौकर ऐसे हैं तो किस्तन दुनिया के ख्वाब देखना छोड़ दो। We'll be right back.
माले गनीमत को बांट लो और सजावारों को सजा दो। कवानीन का रखवाला शिगी कुतुगु के लिखे हुए चंगेज खान के कवानीन मेरे पास है। चंगेज खान के खोए हुए कवानीन तुम्हारे पास हैं? तुम जानते भी हो कि क्या कह रहे हो? कहाँ है? मुझे फौरन चाहिए वो। पहले तुम्हें मेरी शराइत पे पूरा उतरना होगा। क्या है तुम्हारे शराइत? मेरे सिपाही आजाद करो और जितना जल्दी हो सके यहां से निकल जाओ और वो खजाना वापस करो जो हमसे लिया है। तुम एक जिरगे में तमाम सरदारों के सामने इस चीज का वादा करोगे। मैं यहां उनकी जानें लेने आया हूं जो मेरे खिलाफ खड़े होंगे अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं अपनी पूरी फौज से तुम्हारे कबीले को तहस नहस कर दूंगा ये जान लो। दिल हल्का मत करो, कैद की जंजीरों को तोड़ दो, फतुहात के दरवाजों को खोल दो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما عثمان مالگاہ پہ بھروسہ نہیں کر سکتے हमें चौकस रहना होगा। बालगाय उस्मान की बात भी नहीं सुनेगा और अब जंग को होने से कोई भी नहीं रोक सकता और इस बार आग बहुत दूर तक फैलेगी। अगर जहन्नम की आग भी आ जाए तो हम उसे अपने दिलों से बुझा देंगे। अल्लाह ने चाहा तो हमारा ईमान ही काफी है। बिल्कुल बुझा देंगे मेरी प्यारी बेटी, बिल्कुल बुझा देंगे। तुम जो मुबारक अमानत लाए हो उसने मुझे बहुत खुश किया। मैं अपने दादा चंगेज खान की रूह से एक कदम और करीब हो गया हूं। तुमने सरदारों की बात की और वो आ गए, जो बोलना है बोलो। कबीले उनकी रिवायात से और रिवायात जिरगों से चलती है, लेकिन जिरगों की शुरुआत ऐसे नहीं होती। वो जो हर चीज पे कादिर है, जिसने दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर किया, उस अल्लाह के 99 पाक नामों से इब्तिदा करता हूं। काई के बाइज्जत सरदारों,
मेरे पास बालकाय के लिए निहायत काबिले कद्र चंगेज खान की कवानीन है, और ये कवानीन मंगोलों के लिए बहुत जरूरी होंगे। मंगोल कई सालों से इन कवानीन की खोज में है और आज तक उन्हें ढूंढ नहीं पाए, लेकिन वो कवानीन अब मेरे पास है। वो कवानीन मैं इन्हें दूंगा और उसके बदले बालगाय यहां से चला जाएगा। ये हमारे सब सिपाहियों को आजाद करेगा, तो इसलिए मैंने सरदारों के सामने बालगाय से वादा लेना चाहा। ठीक है जनाब। चंगेज खान का कहना है कि लाल बंदर की होती है और पीली सिकंदर की होती है। जब आप तन्हा हो तो अपने आप से मोहताद रहें, और जब आप तन्हा ना हो बातों से मोहताद रहें। ऐ बलगाय, ज़बान देता हूं, अगर उस्मान भी अपनी जबान पर कायम रहा तो मैं कसम खाता हूं जो इसने कहा वही करूंगा। लेकिन अगर तुमने मेरे साथ कोई खेल खेला तो याद रखना, भेड़ भेड़ियों समेत मैं तुम्हारी हर चीज को आग लगा दूंगा। मैं तुम्हारे कम से इन बच्चों को भी मार डालूंगा। तो ठीक है, मैं जो कहता हूं वो करके दिखाता हूं। अकेला भी हो तो भेड़िए की तरह है। ये सच है कि वो अकेला है। उसके तमाम सिपाही मंगोलों की कैद में है और उसका एक जासूस इस वक्त हमारी कैद में है। मुझे जाने दे, पता करने दे कि वो कहाँ है और क्या कर रहा है। हो सकता है कि तुम हमसे झूठ बोल रहे हो। उस्मान के पास जाकर तुम हमारे खिलाफ लड़ सकते हो। सल्वादोर, एक इंसान अपनी मौत से कई बार बच सकता है लेकिन हमेशा जिंदा नहीं रह सकता है। वो मेरी बात समझ आई? जी मेरे आका, मुझ पर भरोसा करें, मैं उस जंग में आपके लिए लड़ूंगा। मैं कसम खाता हूं कि जब तक उस्मान को आपके पास ना ले आऊं तब तक मरूंगा नहीं। अगर दोबारा गलती की तो तुम्हारी खाल उधेड़ कर रख दूंगी। ये
उस्मान, उस्मान, वो काफिर बालगाय क्या कहता है? वो वादा पूरा करेगा वामसी साहब, फिक्र मत करें। वो हमारे कबीले से चला जाएगा, हमारे सिपाही आजाद कर देगा। ये तो ठीक है उस्मान, लेकिन ये कानून तुम्हें कहां से मिले? आखिर किसने दिए तुम्हें? ये राज है बमसी साहब, ये बता नहीं सकता। बेटा, क्या एक दोस्त दूसरे दोस्त से अपने राज छुपाता है? कुछ रस्ते ऐसे होते हैं जहां दोस्त नहीं होते बमसी साहब। उस्मान, जब हम यहां आए तो यहां कोई रास्ता नहीं था, आज हमने अपनी जान और खून से रास्ते बना लिए। उस्मान, मुझे बेचैनी हो रही है, मुझे हकीकत बताओ, असल में हुआ क्या है? मुझे मुश्किल में मत डालिए बमसी साहब। उस्मान, अब जिद मत करें आप मेरे साथ, बिल्कुल नहीं बता सकता। हमने इससे पहले ऐसी दोस्ती कभी नहीं देखी। क्या जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वो सही नहीं है, या फिर हम तुम्हें सही सिखा नहीं सके? गेहातु उस्मान से चंगेज खान के कवानीन क्यों मांगना चाहता है, इसकी वजह हम जानते हैं बालकाय। जिसके पास ये कवानीन होंगे उसी के पास सारा इख्तियार होगा जेर खुदाए, और उसका सामना इस दुनिया में कोई नहीं कर पाएगा। अगर उस्मान वो कवानीन ले आता है तो गेहातु की इस सरजमीन पर ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। असल मसला उन कवानीन को हासिल करना नहीं है, बल्कि यह जानना है कि उस्मान को ये सब कहां से मिल गए हैं। यह जानना जरूरी है कि आतो को उस्मान का कैसे पता चला, और उस्मान से मैंने ये नहीं पूछा कि उसको ये सब कुछ कहां से मिला है, ताकि उसको ये ना लगे कि मैंने दाना चुग लिया है। पहले इख्तियार मेरे हाथ में आ जाए, फिर इस बारे में मालूमात हासिल करूंगा। उस्मान अगर ये कवानीन ले आया तो क्या आप गेहातु को दे देंगे? अगर इतना ताकतवर है तो खुद आकर ले सकता है, मैं बजाते खुद इसे मंगोलों की जगह पर लेकर जाऊंगा। ये बालकाय मंगोलों में वो मकाम हासिल करेगा जिसका ये मुस्तहिक है। क्या हालात है? बालगाय ने दाना चुग लिया है, बाकी हम संभाल लेंगे। बहुत अच्छा है, फिर जाएं उस्मान, आपके चमकने का वक्त आ गया है। चले ताकि दरिया और पहाड़ आपके साथ साथ चल सके उस्मान। मेरी तकदीर में उस्मान के लिए भी दुआ करना लिखा था। ओ जहरा खातून, अपनी औलाद की जिंदगी के लिए तुम उस पागल उस्मान से मदद की उम्मीद कैसे लगा सकती हो? हम किसी की मदद की उम्मीद पर नहीं बैठे हैं खातून। तुम्हें क्या लगता है मैं अपने बेटे को उस बालगाय को दे देता?
अगर जरूरत पड़ती तो मैं अपने बेटे को बचाने के लिए अपने आप को उसके आगे डाल देता, और तुम इस तरह की फजूल बातें करके मुझे मजीद गुस्सा मत दिलाओ। मैं अपने बेटे का सोच रही हूँ दुनदार साहब। इंशाल्लाह उस्मान इस मसले का हल निकाल ही लेगा, लेकिन अगर वो ऐसा करता है तो पूरा कबीला उसे एक सरदार की हैसियत से देखेगा। सोचो उस दिन आप क्या करेंगे, क्या मुझ पर चिल्लाना बंद कर देंगे? काई कबीले में हतमी बात मेरी ही होती है, उस्मान भी ये बात अच्छी तरह जानता है। उस्मान ने एक गिरह लगाई है और अब वही उस गिरह को खोलेगा। बच्चों को चिरगों और सरदारी का नहीं पता, वो ये नहीं कर सकता। उन्होंने तुम पे काफी तशद्दुद किया है। हाँ जी बिल्कुल, तशद्दुद किया है और उसका फायदा हुआ है, और सिद्दीक बनना इतना आसान नहीं है। सही कहा, वहां सूरत हाल क्या है? मैंने यानिस और सूफिया को कायल कर लिया है, उन्होंने मुझे आपके बारे में मालूमात इकट्ठा करने के लिए भेजा है। वो जो मालूमात चाहे उन्हें दी जाएंगी, इस तरह वो और भरोसा करेंगे तुम पर। आप क्या चाहते हैं उस्मान साहब? उन्हें बताओ कि उस्मान बालगाय से कबीले को बहुत जल्द आजाद करवाने वाला है। वो मुझसे पूछेंगे आप कैसे करेंगे। बालगाय को जो चाहिए वो इस वक्त मेरे पास है, चंगेज खान के कवानी। जब ये पता चलेगा तो वो तो परेशान हो जाएंगे। परेशान लूमड़ियों का शिकार आसान होता है। चलो ठीक है, जाओ और जैसा तुमसे कहा है वो ही करना। बंधे हुए मर्दों को तो अपनी बहादुरी ना दिखा सके, अब खातून को दिखाने की कोशिश कर रहे हो, ना मर्द। छोड़ दो उन्हें, मेरी तरफ देखो। क्या हुआ, क्या तुम घबरा गए थे? उस्मान साहब के आते ही तुम सबके रंग क्यों उड़ गए? मुझे मार, मार मुझे। रुक जा। कौन हो? घटिया इंसान, इतनी जल्दी मत करो, बारी बारी मजा सब चखोगे, सबके सब चखेंगे। हिम्मत है तो मेरे हाथ खोलो, फिर मैं अपने हाथों से तुम्हारा गला घोटूंगा। अगर मैं तुम्हारे गोश्त को तुम्हारी हड्डियों से अलग ना कर दूं, तो मेरा नाम कोनूर नहीं। तुम उन जैसे बिल्कुल नहीं, ना ही तुम्हारी आंखें उन जैसी हैं, और ना ही तुम्हारा कद छोटा है। मुझे बताओ, मंगोलों ने अपना गुलाम बनाने के लिए तुम्हारे साथ क्या किया है? मैं समझ गया, तुम एक मनकूर्द हो, मनकूर्द। तुमने क्या कहा मुझे? अगर मर्द हो तो दोबारा कहो, कहो। मैंने कहा अगर मैं तुम्हारी खाल को हड्डियों से अलग ना कर दूं, तो मेरा नाम कोनूर नहीं, मनकूर्द।
खोलो इसे, खोलो जल्दी। मंगोल कुत्ता है। मंगोल मत करो ऐसा। छोड़ दे इसको जलील। कौन हो? हाँ बेटा, हमारे कबीले के तमाम मर्दों को यही निशान दिया जाता है। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे हंसते हैं। उस्मान से उम्मीद मत लगाना कि वो तुम्हें बचाएगा। जब तक हम यहां हैं, ये जमीन तुम्हारे लिए जहन्नुम है। कोनूर, बलगाय का हुक्म है कि जब तक वो नहीं कहते ये जिंदा रहेंगे। कोनूर, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारे यहां इस तरह आने से वाजे है कि तुमने बाल गाय के इख्तियार की लालच को भड़का दिया है। अब मैं जाकर अपने भाइयों और ताई जान सिलजान खातून को और कबीले को बाल गाय के जुल्म से बचाऊंगा और अल्लाह की रजा से एक बहुत बड़ी जंग का आगाज करूंगा।
بسم الله الرحمن الرحیم جان سے زیادہ حفاظت کی ہے اللہ آپ سے راضی ہو شیخ ادب علی یہ تمہاری منگولوں سے پہلی جنگ ہے پہلی جنگ ہمیشہ مشکل ہوتی ہے سنبھل کے قدم اٹھانا پڑتا ہے جب ہمارے آقا صحابہ کے ساتھ بدر کی جنگ کے لیے روانہ ہوئے تو مشرکین اس مبارک فوج کو کم تر فوج سمجھ رہے تھے وہ اپنی طاقت پر گھمنڈ کر رہے تھے وہ یہ سمجھے کہ مسلمان تعداد میں کم ہیں لیکن ہمارے آقا ہمیشہ چوکنے رہے پیغمبر اسلام مشرکین سے پہلے میدان جنگ میں چلے گئے اور تمام مقامات کو سنبھال لیا جہاں جہاں جس کی جہاں ضرورت تھی تعینات کر دیا اور انہوں نے ایسی جنگی حکمت عملی تیار کی جس سے بظاہر بسر و سامانی بھی طاقت میں بدل گئی تمام تر تیاریاں مکمل کرنے کے بعد اللہ کے حضور دعا شروع کر دی ہمارے نبی کریم نے اپنی فوج کو اپنے رب کے حوالے کر دیا رب کریم نے انہیں جواب دیا میرا رب کلام پاک کی سورہ آل عمران میں فرماتا ہے اور بے شک اللہ نے جنگ بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے تو اللہ سے ڈرو کہ کہیں تم شکر گزار ہو اللہ اپنے مقرب بندوں کی مدد فرماتا ہے اس کی ذات سے کبھی نا امید نہ ہونا میرا رب انشاءاللہ ہماری مدد کرے گا فرشتوں کے ساتھ فتح حاصل ہوگی انشاءاللہ یہ تم پر منحصر ہے عثمان لیکن کیسے اپنی مخلصانہ جد و جہد اور خدمات کو ہمیشہ جاری رکھنا سب کچھ محبت کے ساتھ کرنا جانتے ہو محبت ہے تو اسی میں برکت ہے لیکن یہ محبت تمہاری لیلا کے ساتھ جیسی محبت نہیں ہونی چاہیے کیا تم جانتے ہو ہمارے نبی اپنے رب کی محبت میں طائف کے لوگوں کے ظلم سہتے رہے لیکن وہ ظالموں کے آگے جھکے نہیں دشمن انہیں کبھی خوف زدہ نہ کر سکے دسترخوان پر تلوار استعمال کرتے ہوئے جرگے میں بولتے ہوئے مسائل سنتے ہوئے تمہیں محبت کو کسی حال میں نہیں چھوڑنا اگر تم نے محبت کا دامن ہاتھ سے چھوڑا تو تمہارا شعور تمہیں چھوڑ جائے گا شیطان تمہارے نفس کو استعمال کر کے تمہیں اپنا غلام بنا لے گا اپنے دماغ اور محبت کو برابر سمجھو بیٹا ایسا کرو تاکہ عالم اسلام پر چھائے سیاہ بادل چھٹ جائیں مایوسی کو ختم ہونا چاہیے کاہلی کو ختم ہونا چاہیے دیرلش کی آگ کو پھر سے بھڑکانا ہوگا اللہ کے حکم سے یہ میرا وعدہ ہے خود سے آخری سانس تک مقابلہ کروں گا چلو اگر ہم ایسی باتیں کرتے رہے تو پھر بال گائے کا دماغ خراب ہو جائے گا
या अल्लाह। बिस्मिल्लाह। कोनूर, तुम क्या सोच रहे हो बेटा? कुछ नहीं। बताओ मुझे। मेरे पास थोड़ा सा दिमाग था, वो भी कोंगूर ने ले लिया। तुम क्या कह रहे हो बेटा? ये वो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मेरा भाई नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। या अल्लाह मुझे सब्र दे। खैरियत है शहजादी? क्या तुम रास्ता भूल गईं? तुम हमारे कबीले में क्या कर रही हो? आप लोगों की आयादत करने आई हूं मैं। इधर आओ जरा। मंगोलों ने शायद बहुत जुल्म किया तुम पर। उस्मान साहब के होते हुए ऐसा जुल्म? शक्लें बदल के रख दी, हालत तो देखो अपनी। हम हजारों सालों से ना तो कबीले के बगैर रहे हैं और ना ही सल्तनत के बगैर, अल्लाह के हुक्म से। अगर हम कभी तुम जैसी नागन या पाल गाय जैसे गीदड़ से डर जाते तो आज यहाँ ऐसे ना खड़े होते। अपने ही जिंदान में जंजीरों में जकड़े हुए मुझे ललकारोगी? कुछ रहम खाओ खुद पर। उस्मान की जिंदगी हो जिसकी बदौलत पालगाय ने आलिशार को खुजली वाले कुत्ते की तरह निकाल दिया। आलिशार जा चुका है, क्या आप शहजादी की नजरें पालकाई के नजरे करम के मुंतजिर हैं? क्या हुआ शहजादी? मेरा ख्याल है मेरी बातों ने शहजादी के दिल पर असर किया है। पालकाई भी जिस जान को नहीं ले सका, तुम उस जान को लेने के लिए जल रही हो। मैं तुम्हारी हालत पर सिर्फ हंस सकती हूँ सोफिया। तुम्हारा कबीला जब खून से रंगेगा, मेरी आंखों में मुस्कुराहट तब नाचेगी। सलजान खातून, गौर से सुनो सोफिया। तुम्हारी आंखें निकालने से पहले मौत हमें जेब नहीं देती, और मैं तुम्हारी खाल के जूते पहनने से पहले नहीं मरने वाली। जनाजे को ठिकाने खुद लगाऊंगी मैं। देखो हम किस हालत में हैं। या अल्लाह, या रब, या रसूल अल्लाह, उस्मान साहब की भी कोई खबर नहीं आई। पता नहीं वो क्या कर रहे हैं और कहां हैं।
हम सब इस जिल्लत से कैसे निकलेंगे? मारो हमें, मैं कहता हूं, मारो हमें, हिम्मत है तो मारो हमें, मारो। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक कुरान करीम में फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या तुम ख्याल करते हो कि जन्नत में दाखिल हो जाओगे जबकि तुम्हें वो हालात पेश नहीं आए जो तुमसे पहले लोगों ने देखे हैं? ईमान लाना आसान है लेकिन आसमाइश के दौरान सब्र करना मुश्किल है भाइयों। मेरे भाइयों, सब्र, मेरे भाइयों, सब्र, सब्र। सब्र दे या रब। वो औरत हमारे कबीले में कैसे आ सकती है? मैं जाकर देखता हूं अभी। छोड़ो मुझे, मैं कहता हूं जाने दो। वो जहरीली नाकिन सोफिया मेरे कबीले में क्या कर रही है? उस्मान साहब के आने तक तुम अपने खैमे से नहीं निकल सकते। हमारे बहुत से आदमियों का खून अपने हाथों में लेकर वो बेशर्मी से यहाँ आई है। वो बालाकाई के साथ मिलकर काम कर रही है। वो हमें नीस तो नाबूद किए बगैर नहीं जाएगी। मुझे उस नागिन को उसी वक्त मार देना चाहिए था जब वो पहली बार यहाँ आई थी। आपने वक्त पे कौन सा काम किया है दुमदार साहब? कहा भी था उस्मान को काबू में रखें, आपने नहीं सुनी। आपसे कहा अदाबाली को रोकें, आपने नहीं सुनी। अब वो मुत्तहिद हो गए हैं और हमारी ये सरजमीन पर हमारी ये जिंदगियां ले रहे हैं जानवरों की तरह। जहरा, बस कर दो। वो हमसे हमारे बेटे को छीन लेंगे, वो हमारे बहादुर हमारी शाख को काट देंगे। ये सब उस्मान की वजह से है। अगर उन्होंने मेरे बेटे को मार दिया तो दोनों जहानों में आपके गिरेबान पर मेरा हाथ होगा। खातून, खामोश हो जाओ, बहुत हो गया। आप कबीले को संभाल ना सके, आप उस्मान को संभाल ना सके, बस मुझ पे ही अपना जोर चलाएंगे। बस कर दो। रुक क्यों गए? मारिए मुझे, मारिए मुझे। आप मुझे ही डरा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। बहुत हो गया, बस। बस कर दो, 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 बस, 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 बस। खातून, तुम बालगाई के पास घुटनों के बल जाओगी। मेरे लिए क्या लाई? आका यानीस ने बेजंतीन में जासूसों को जगा दिया है। जंगे अजीम के लिए तैयार है। जैसा कि मैंने यानीस से कहा था, कलों से, वजीरों से, शहंशाह की फौज से जो भी खुफिया मालूमात मिले सबसे पहले मेरे तक पहुंचाई जाएगी। इसमें कोई शक मत रखिए आका,
यार हिसार का निगरान आपसे मिलने आएगा। वसूक से कहती हूँ कि वो मिलने से पहले मारा जाएगा। बाकी आपके मंगोल जंगजुओं पर मुनासिर है। खड़ी हो। इसके अलावा और क्या दोगी तुम मुझे? महज देने ही से काम नहीं चलेगा अब बालकाय। अब वक्त है कि आप अपने किए वादे बदले में निभाते भी जाइए। इस तरह से बात करने की तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मुझसे? उस्मान और उसके साथियों को मारा क्यों नहीं जब वो आपके पास आए थे? तुम्हें उस्मान के आने का कैसे पता चला? कहा था ना कि हमारे कान बहुत तेज हैं। तुर्क कबीले हमारी पहुंच से दूर नहीं। शायद आप मजाक समझे थे। उस्मान को मैंने आजाद कर दिया चंगेज खान के कवानीन की खातिर। इस कदर अहम क्यों हैं वो? उनका कैसे पता तुम्हें? और आपने उस्मान की बात का यकीन कर लिया? ऐसा है ना? कवानीन लाने के बाद उस्मान जो चाहता है उसे वो मिलेगा। मैंने चंगेज खान के कवानीन पर कसम खाई है। फर्ज करें कि वो ले आया, फिर उसके बाद जो मुझे चाहिए पहले वो लूंगा, फिर तुम उस्मान के साथ अपना हिसाब चुकता कर लेना। साहब आ रहे हैं कमांडर बलगाय। अच्छा, अंदर आने दो। चंगेज खान के कवानीन? हाँ, तो क्या तुम भी अपने नए मालिक के साथ किस्तन दुनिया की सल्तनत बनने के ख्वाब बुन रही हो सोफिया? मेरी सोच, मेरी निगाहें, मेरे कान, मेरी तलवार तुमसे ज्यादा तेज है सोफिया। उस्मान साहब, अपने आप से बड़े ख्वाब देखना बंद करो। अगर तुम्हें मरने का इस कदर शौक है तो बराहे मेहरबानी हमें मजीद मत थकाओ। एक दिन में हिसाब चुकता जरूर करूंगा सोफिया, और वो दिन ज्यादा दूर भी नहीं है। तो तुम अपने साथ चंगेज खान के कवानीन लाए हो? देखना तो मैं भी चाहती थी, मगर कले में इससे अहम बहुत काम पड़े हैं। यानी इसको सलाम जरूर देना, बहुत जल्द मिलेंगे। और तुम अदाबाली को मेरा पैगाम दे देना, सूफिया बहुत जल्द उसकी रूह खींच लेगी।
क्या तुम ले आए? ले आया हूं। मेरे पास लाओ ये। सरदारों के सामने किया गया वादा भूल मत। जो कहा था वो करो और अभी मेरे बाबा की नशिस्त से उठ जाओ। सिपाहियों को रिहा करो, अपने सिपाहियों को कबीले से ले जाओ। ताकत मेरे पास है। अगर तुमने वादा पूरा ना किया तो क्या हाथों जान जाएगा कि कवानीन तुम्हारे पास है और मेरा एक जासूस की हाथों को इत्तला देने के लिए बाहर तैयार खड़ा है। जानते हो संजाग सरदार बनने की पेशकश क्यों की थी तुम्हें? एक दफा चंगेज खान के दौर में उसके दुश्मन, उसके सबसे अच्छे दोस्त और फौज के कमांडर बन गए थे। जानते हो इस बारे में? एक जवान ने जंग के दौरान चंगेज खान को तीर मारकर जख्मी कर दिया। जंग के बाद उनका सिपा सालार ताईतलो कैदियों के पास गया और पूछा कि तीर किसने मारा था। एक सिपाही बहादुरी से आगे बढ़ा और कहा कि मैं था वो तीर मारने वाला। चंगेज खान ने उसकी बहादुरी पर हैरान होकर उसे अपनी फौज का सिपा सालार बना दिया और उसको इज्जत बख्शी। उसका नाम जेबे रखा, यानी कि एक तीर। जेबे सुबताई के साथ मंगोल फौज का एक बहुत ही अजीम कमांडर बना। मैं सबसे पहले अल्लाह का बंदा हूं और फिर अर्तुरुल गाजी का बेटा हूं। पहले अल्लाह की अतात करते हैं, उसके बाद अपनी रिवायात की। अब निकल जाओ अपने सिपाहियों के साथ लेके। जनाब, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आ जाओ तुम रोल। उस्मान आ गए हैं। यानी कि वक्त आ गया है। तुम सब जानते हो कि बालगाय पर भरोसा नहीं कर सकते। मेरे शेरों, मेरी बात सुनो। अगर उसने वादा पूरा नहीं किया तो हम उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। क्या सारी तैयारियां हो गई हैं? सब कुछ तैयार है हुजूर। आपने हमारी इसी दिन के लिए परवरिश की थी अल्लाह के हुक्म से। माशाल्लाह मेरे बहादुर। मंगोल काफिर देखेंगे कि मुसलमान सरजमीन पर हमला करने की
क्या कीमत अदा करनी होगी? तुम्हारी आंखें हिरनी जैसी हैं और दिल भेड़िए जैसा। माशाल्लाह मेरी बेटी। उस्मान चंगेज खान के कवानीन ले आया है। अब बलगाय को कोई नहीं रोक सकता। सामसा साहब, उस्मान को वो सब कैसे मिला है? मैं ये तो नहीं जानता कि कैसे मिला, लेकिन उस्मान साहब हमें बचाते बचाते तमाम मंगोलों को इकट्ठा कर लेंगे। सामसा साहब, उस्मान साहब यकीनन इस बारे में कुछ जानते होंगे। बिल्कुल, ये वाजी है कि वो बहुत सी ऐसी चीजें जानते हैं जो हम नहीं जानते। आज रूहों ने तुम्हें उम्मीद और मुझे ताकत दी है। चेर कुताए, कैदियों को आजाद कर दो ताकि पता लगे बालगाय ने उनकी जान बख्श दी है। दुंदार साहब, तमाम सरदारों को इतला कर दें, उन्हें कहें कि बलगाय के हुजूर पेश हो, क्योंकि बलगाय देखना चाहता है कि उनमें से कौन नामर्द है। अगर वो लोग अपनी जिंदगियों से तंग हैं तो बलगाय उन्हें उनकी जिंदगियों से छुटकारा दे सकता है और उनकी नस्लें मिटा सकता है। बताओ जाकर उन्हें कि मेरी अतात के लिए मेरे पास घुटनों के बल चल कर आए। चंगेज खान के कवानीन तुम्हें कहां से मिले फरसंद? मुझे इसके बारे में क्यों नहीं पता था उस्मान? मैंने जवानों को मौत से और कबीले को बर्बाद होने से बचाया। अब आप ये सोचें कि वो अमानत जो मेरे बाबा ने आपको दी थी उसमें खयानत तो नहीं कर रहे? अब मैं मजीद बगावत नहीं चाहता। अपने कदमों को संभालो। मेरा पतुर तुम्हारी वजह से मरने वाला था। अपने सिपाहियों की तरह तुमने मेरे बेटे के जहन में भी जहर भर दिया। वो आजादी का जहर है, सुना आपने? अगर ये किसी मर्द के खून में शामिल हो जाए तो फिर बाहर नहीं निकलता। तुम्हारी जिद की वजह से कबीला बर्बाद होने वाला था और तुम आज भी नहीं मान रहे हो। छोड़ दो ये जिद, छोड़ दो। अगर आपको लगता है कि बलगाय का पट्टा गले में डालकर अमन कायम कर लेंगे तो इस मुबारक नशिस्त को छोड़ दे, हकदार को दे दे उसे। मेरे बाद इस नशिस्त का हकदार कौन है? कौन बैठेगा इस पर? कौन? कौन? मैं। अर्तुरुल गाजी का जानशी उस्मान। आज रात चिर का होगा, तुम हर चीज का हिसाब देने वहां होगे। हिसाब। इन पर भरोसा नहीं कर सकते। काय कबीले पर और सामसा के कबीले पर नजर रखनी होगी तुम्हें। जैसा आप चाहें बालगाय। उस्मान ने कबीले को बचाने का रास्ता तलाश कर लिया। उसने ये कैसे किया?
उसे चंगेज खान के कवानीन कहां से मिल गए? मेरे आका, हो सकता है आही और इदाबाली का काम हो जो उस्मान की मदद करते हैं। गारत करे खुदा इदाबाली और आही को। इदाबाली का नहीं है, वो इतना ताकतवर नहीं हो सकता। इसके अलावा कुछ और है, पर क्या? सल्वादोर, क्या उस्मान ने इस बारे में कोई बात नहीं की तुमसे? नहीं आका, जो भी राज है उसे उस्मान ने बड़ी एहतियात से छुपा है। तो इस हाल में वो ज्यादा देर इसको छुपा नहीं पाएगा। जिस लम्हे वो बालगाय के शिकंजे से निकलेगा, उसी लम्हे मेरा शिकार बन जाएगा, और हमारा शिकारी कुत्ता हमें रास्ता दिखाएगा, जिसके पास वफादारी साबित करने का आखिरी मौका है ये। वैसे भी इसने अब तक जो कुछ कहा वो सच निकला। मैंने आपसे कहा था जब तक आपकी माफी नहीं मिलेगी मैं मरूंगा नहीं। इदाबाली को कहां छुपाया है मैं जानता हूं। हम इन सब का एक ही बार शिकार करेंगे। उस्मान, शुक्र आप ठीक हैं। अल्लाह का शुक्र है, फतह करीब है बाला खातून। मंगोल जहां से आए थे वहीं लौट जाएंगे इंशाल्लाह। आपने कैसे कर लिया उस्मान साहब? चंगेज खान के लिखे गए असल कवानीन सालों से गायब हैं। कैसे मिले आपको? कहते हैं कि मुसीबत के वक्त खिजर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं। यूं समझ लो कि ऐसा ही कुछ हुआ है। वो खिजर कौन थे उस्मान साहब? ये राज है बाला खातून। क्या मुझे भी नहीं बताएंगे? क्या मेरे लिए भी? ये बात एक राज है जिससे आप बहुत प्यार करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर तो आप मेरे साथ पूरी जिंदगी गुजारना चाहती हैं तो कभी भी दखलंदाजी नहीं करेंगी। मैं जहां कहूं आप रुक जाएंगी। अगर खामोश रहने का कहा जाए तो खामोश रहेंगे। मैं एक आही की बेटी हूं उस्मान साहब। मैं जिसकी भी जीवन साथी बनूंगी तो उसके राज भी जानूंगी। एक पहाड़ की तरह उसके साथ खड़ी होंगी, उसके साथ जीऊंगी भी और मरूंगी भी उसके साथ। आप पहले जिन खवातीन से मिले हैं उन जैसी नहीं हूं मैं। इजाजत चाहती हूं मैं। इजाजत है, जाइए। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ठीक वक्त पर आ गए। आपने निशाने पर वार किया हुजूर। तुम्हें क्या हुआ सामसा चाऊश? दूर क्यों खड़े हो गए? ये कैसे हुआ उस्मान साहब? जो नामर्द हमें मारना चाहता था उसने हमें कैसे छोड़ दिया? कोई ताला बिना चाबी के नहीं होता सामसा साहब। अहम बात यह है कि चाबी किसके पास है। गलत सोच रहे हैं सामसा साहब। इस वक्त सबसे अहम चीज ताले को खोलना है। रफाकत क्या है उस्मान साहब? भाईचारा क्या है? आपने हमें क्यों नहीं बताया?
किसी ने हमें आजादी भीख में नहीं दी सांसद साहब, खुद हासिल की है। और मैं ये किसी को बता नहीं सकता। मैं समझा था कि हम एक पहाड़ी सिलसिले से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन मैं गलत था। मैं सामसा सरदार हूं। अपने नफ्स को भूलकर एक सिपाही की तरह आपकी खिदमत की। सामसा साहब, जुल्म और सितम की हवा से चेहरे झुलस गए। हमने बहुत मुश्किल वक्त देखा है, और अगर हम अब भी एक दूसरे को नहीं समझते तो बज़ाहिर हमारे दरमियान एक दरिया हायल है। मुझे ऐसे लगता है कि हमारी हवा का रुख बदल गया है। अगर मैं देख नहीं सकता, जान नहीं सकता और मुझ पर भरोसा भी ना हो तो मैं इस रास्ते पर मजीद चल नहीं सकता। सांसद साहब, इस झुलसा देने वाली हवा को आने दें, कोई बात नहीं। अगर हमारे दरमियान रास है तो फिर आजादी के रास्ते पर अकेले चल सकता हूं। अगर आपका कोई मुझ पर हक है तो मैं असल से आपको माफ करता हूं। चंगेज खान की रूह मेरे साथ है। उनके कवानीन मेरे हाथों में है।
मुकद्दस के स्थान पर बल गए।